21 के एनएच है, 12,000 चला हुआ है यार, शोरूम कंडीशन गाड़ी है। अच्छा। देखिए 2024 का जैसा दिखेगा गाड़ी, ये भी 2021 का ही मॉडल है। अच्छा, ये भी चकाचक कंडीशन में है, ऐसा प्राइस में कोई नहीं दे सकता है गाड़ी। अच्छा, इसका प्राइस आएगा 2016 का मॉडल है, 16 की बुलेट। हाँ, और कितना किलोमीटर चला इसका? ये 40,000 जैसा चला हुआ है गाड़ी, सिर्फ 40,000। ये भी झकास कंडीशन का है गाड़ी, येलो हिल दिया हुआ है गाड़ी में। ये 21 का लास्ट का मॉडल है। अच्छा, ये लगभग 23,000 चला हुआ है। हाँ, ये लगभग चला हुआ है 25,000 का जैसा चला हुआ है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं मैनागुड़ी में एक और सेकंड हैंड बाइक शोरूम पे, जहाँ पे आपको R15 वर्शन 4 से लेकर NS160 या फिर R15 वर्शन 3 बुलेट, या फिर आपको माइलेज वाला बाइक चाहिए तो ग्लैमर भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। तो इन सारे बाइक्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं शोरूम के ओनर से, उसी के साथ रीफाइनेंस और ओनरशिप चेंजेस के बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीधा चलते हैं अंदर, मिलते हैं शोरूम के ओनर से और लेते हैं भाई पूरी जानकारी भाई। चलो, तो हमारे साथ है शोरूम के ओनर आलमदार। तो दादा कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपका ये शोरूम दादा भाई मोटर्स, ये कहाँ पे है? ये मैनागुड़ी से 5 किलोमीटर ये लटागुड़ी रोड में आएगा। हाँ हाँ, आके सिंगीमारी मोड़ बोलता है, सिंगीमारी मोड़ से 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है राखाल हट बोलता है। अच्छा, राखाल हट बोलते हैं इस जगह को, और ये मैनागुड़ी से लगभग 6 किलोमीटर दूर यह पड़ेगा। तो सीधा चलते हैं पहली बाइक की तरफ, जो है हमारे पास यामा की R15 वर्शन 4। तो दादा क्या डिटेल्स है इसका? ये 2024 का मॉडल है, वर्शन 4 है। अच्छा, ब्लैक में है गाड़ी, और ये गाड़ी का प्राइस पड़ेगा 1,65,000। 1,65,000 इसका प्राइस पड़ेगा। और फर्स्ट ओनर है ये फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर चला है? 8,000। 8,000 किलोमीटर चला है ये R15 वर्शन 4 2024 की मॉडल है, और प्राइस है 1,65,000 रुपए। एंड दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड मोटर्स, जो है राखाल हाट में। राखाल हाट का है आपको बता चुका हूँ वीडियो में, जो है मैनागुड़ी से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर पड़ता है राखाल हाट। तो यहाँ पे है यूनाइटेड मोटर्स। अगर आपके पास बाइक हो, स्कूटी हो, आप सर्विसिंग कराना चाहते हैं आसपास के एरिया से, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ है शोरूम गैराज के ओनर माधव राय। तो क्या डिटेल्स है गैराज का आपका? यहाँ पे मतलब सभी स्कूटी और बाइक का सर्विसिंग करते हैं आप लोग? हाँ, सब रकम बाइक एवं स्कूटी। अच्छा, सर्विसिंग करा है एवं बाइकर स्कूटी जा जा पार्ट्स लगे, टायर से शुरू करे बैटरी। हाँ, हाँ। ब्रेक शू जा जा लगे, जो भी स्पेयर पार्ट्स चाहिए हो, बैटरी हो, टायर हो, सब कुछ आपके यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, वो मिनिमम कॉस्ट में आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा गैराज के ओनर की तरफ से। गैराज के ओनर का नाम है माधव राय, जो है यूनाइटेड मोटर्स के ओनर। यहाँ पे राखाल हाट की जो मार्केट है, मार्केट में ही है यूनाइटेड मोटर्स, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी ज़रूर विजिट कीजिए इस गैराज को, चाहे आपके पास एक स्पोर्ट बाइक हो या फिर एक डेली कॉम्यूटर, यहाँ पे हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स आपको मिलेगा, उसी के साथ ब्रांड न्यू टायर्स और हर किस्म के इंजन ऑयल्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और डिटेल्स आपके सामने ही है, और डिस्क्रिप्शन में भी गैराज का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो वापस चलते हैं वीडियो में आगे। तो ये तो गया R15 के बारे में, तो अभी सीधा चलते हैं NS160 की तरफ। तो क्या डिटेल्स है दादा इसका? ये 2021 का मॉडल है, 2021 का NS, 21 के NS है, 12,000 चला हुआ है, शोरूम कंडीशन गाड़ी है। अच्छा। देखिए 2024 का जैसा दिखेगा गाड़ी, कंडीशन आपके सामने ही है भाई जो भी है। और कितना किलोमीटर चलाई है ये? चला है 12,000, सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला है। 21 का लास्ट का मॉडल, 21 का लास्ट का मॉडल। और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस 1,00,000 रखा हुआ है सिर्फ। और 1,00,000 कंडीशन देख लीजिए एक बार, गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, टायर कंडीशन, बॉडी कंडीशन भाई आपके सामने ही है जो भी है। बाइक से आपको कैसा लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद चलते हैं इधर, यामा के R15 वर्शन 3, क्या डिटेल्स है दादा इसका? ये भी 2021 का ही मॉडल है, ब्लू कलर में, और इसका प्राइस आएगा 1,27,000 रुपए ब्लू कलर में R15 वर्शन 3 2021 का मॉडल। कितना किलोमीटर चला? 16,000 चला हुआ है, सिर्फ 16,000 किलोमीटर। और फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है। और आपके यहाँ पे रिफाइनेंस अवेलेबल? रिफाइनेंस अवेलेबल। कौन कौन सी एरिया के अंदर करते हैं? वो आएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। हाँ, और कुछ बिहार भी हो जाएगा। अच्छा, अलीपुरद्वार मतलब आपके जलपाईगुड़ी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट रहता है उसमें रिफाइनेंस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे वो आप अलीपुर द्वार से, कुछ बिहार से या फिर दार्जिलिंग से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350, क्या डिटेल्स है दादा? ये 2016 का मॉडल है, 16 की बुलेट। हाँ, और
कितना किलोमीटर चला इसका? ये 40,000 जैसा चला हुआ है गाड़ी। सिर्फ 40,000? ये भी झकास कंडीशन का है गाड़ी, येलो हिल दिया हुआ है गाड़ी में, पूरा ओके कंडीशन में, कोई खर्चा नहीं है गाड़ी में अभी। हाँ, और सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है? सेकंड ओनर गाड़ी है। अच्छा, ये सेकंड ओनर गाड़ी है और बाकी जो था वो फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। अच्छा, और प्राइस क्या रखा है अपने इसका? ये 85,000 रखा हुआ है। 85,000 2016 की रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 16 की है ना? 16 की है। अच्छा, और 85 में कोई अगर रिफाइनेंस करना चाहे तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 40,000 देने से हो जाएगा। अच्छा, 40,000 आपको देने से बाकी का रिफाइनेंस हो जाएगा। उसके बाद यामा की FZS क्या डिटेल्स है? ये 2018 का मॉडल है, 18 की FZS। अच्छा, फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है। कितना किलोमीटर लगभग चला ये? 35,000 चला हुआ है गाड़ी। अच्छा, 35,000 के करीब किलोमीटर चला। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? प्राइस रखा है 55 रखा है। सिर्फ 55,000 में 2018 की FZS गाड़ी का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही है। और ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। अच्छा, और 55,000 में कोई अगर रिफाइनेंस करना चाहे तो डाउन पेमेंट? डाउन पेमेंट आपको 20,000 से 25,000 देने से हो जाएगा। सिर्फ 20,000 से 25,000 रुपए डाउन पेमेंट करने से आपको 2018 की ये FZS मिल जाएगा जिसका प्राइस है 55,000 और इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। तो बाहर का जितना भी स्टॉक था हमने दिखा दिया, अभी चलते हैं अंदर जो है हमारे पहली बाइक अंदर, यामा की MT-15। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे MT-15। तो क्या डिटेल्स है दादा इसका? ये 21 का लास्ट का मॉडल है। अच्छा, ये लगभग 23,000 चला हुआ है। 23,000 के करीब किलोमीटर चला है? किलोमीटर चला हुआ है। फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर गाड़ी है अभी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और प्राइस क्या रखा है आपने? प्राइस अभी 1,27,000 रखा हुआ है। 1,27,000 इसका प्राइस रखा है। 2021 का लास्ट का मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। और इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा? हाँ, रिफाइनेंस हो जाएगा, इसमें भी रिफाइनेंस होगा। अभी चलते हैं जिनको माइलेज वाला बाइक चाहिए। आज भी हमारे पास एक इंक्वायरी आया था ग्लैमर का, तो आपके लिए यहाँ पे ग्लैमर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्या डिटेल्स है? ये 2021 का मॉडल है। हाँ, ये लगभग चला हुआ है 25,000 का जैसा चला हुआ है। 25,000 के करीब किलोमीटर चला है इसका। हाँ, फर्स्ट ओनर है ये भी फर्स्ट ओनर है। ये भी फर्स्ट ओनर। और ये गाड़ी का प्राइस 54 रखा हुआ है। 54,000 प्राइस रखा है इसका। और रिफाइनेंस इसमें भी हो जाएगा? हाँ, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी रिफाइनेंस हो जाएगा। और ओनरशिप चेंजेस का जो बात होता है कि आप लोग ही करवा के देंगे या फिर बायर को पैसा देना पड़ेगा आपको? नहीं, हम लोग करवा के देगा, मगर पैसा वो जो कस्टमर होता है जो गाड़ी लेगा वही देगा पैसा, हम करा के देगा, हम लोग का जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आप लोगों का है, लेकिन बायर को पैसा देना पड़ेगा। कितना अमाउंट लगता है? ओ, मान लो 3,000 से 3,500 रुपया देना पड़ेगा। 3,000 से 3,500 रुपए ओनरशिप चेंज करेगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा बढ़ेगा अगर रिफाइनेंस हो रहा है। अगर कैश में डील होगा तो 3,000 से 3,500 में हो जाएगा। और ये ओनरशिप चेंजेस का जो है आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, भैया ही करवा के देंगे, हम लोग यहाँ से करवा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और यामा के एक जिक्या डिटेल्स है। ये 2012 का मॉडल है। 12 का मॉडल? हाँ, हाँ। ये 55,000 चला हुआ है। 55,000 किलोमीटर चला है इसका। फर्स्ट ओनर है ये भी? फर्स्ट ओनर गाड़ी है अभी। अच्छा, फर्स्ट ओनर। तो ये गाड़ी 2012 का है। ये इसका प्राइस है 27,000 में 2012 की FZ। 27,000 में रिफाइनेंस होगा? रिफाइनेंस नहीं होगा ये। अच्छा, इसमें रिफाइनेंस नहीं होगा, 2012 का मॉडल है इसलिए रिफाइनेंस नहीं होगा। ये 27,000 सिर्फ प्राइस है, कैश में डील होगा। उसके बाद डिस्कवर 125। ये डिस्कवर ये भी 2014 का मॉडल है। अच्छा, ये शायद 35,000 से 40,000 चला हुआ है। 35,000 से 40,000 किलोमीटर चला है। 14 का मॉडल? 14 का मॉडल है। कंडीशन आपके सामने, आप देख सकते हैं कंडीशन। और प्राइस क्या रखा है आपने? ये प्राइस रखा है 27,000 इसका भी। इसका भी 27,000, 2012 का FZ का भी 27,000 और 2014 का डिस्कवर 125 का भी 27,000 रुपीस। और डिस्कवर में रिफाइनेंस होगा ये 14 का मॉडल भी नहीं होगा? अच्छा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं होंडा की सीबी शाइन की तरफ। तो क्या डिटेल्स है इसका? ये 2016 का मॉडल है। अच्छा, ये भी चला हुआ है लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक चला हुआ है। अच्छा, 45,000 से 50,000 तक किलोमीटर चला है इसका। 2016 की मॉडल? 16 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर है ये? फर्स्ट ओनर है। अच्छा, सीबी शाइन फर्स्ट ओनर है। और प्राइस क्या रखा है आपने इसका? 16 का मॉडल है। प्राइस रखा है 38,000। 16 की सीबी शाइन फर्स्ट ओनर गाड़ी, 45,000 से 50,000 किलोमीटर चला है इसका। और जो लोग हमारे चैनल की तरफ से आएंगे, हुली बारना चैनल की तरफ से आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपका वीडियो देख के आएगा तो डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। अभी इस प्राइस में अगर आपको मजा नहीं आया तो इससे सस्ती बाइक आपको दिखाता है। इधर चलो, इधर आ जाओ पीछे। तो यहाँ पे TVS की जुपिटर। तो क्या है डिटेल दवा इसका? ये 2014 का मॉडल है। अच्छा, इसका प्राइस है 15,000। सिर्फ 15,000 में 2014 का जुपिटर, TVS जुपिटर। कितना किलोमीटर लगभग चला ये? 55 चला होगा। अच्छा, 55 से ऊपर चला है इसका
और कंडीशन आपके सामने ही है और तो रिबैलेंस होने से आज नहीं, 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 नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे नंबर से आप दादा से बात कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आज की आखिरी बाइक की तरफ जो है हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर क्या डिटेल्स है? ये 2008 का मॉडल है। 2008 की स्प्लेंडर है, 2008 का मॉडल है। पेपर वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, मगर इसको ट्रांसफर करने के लिए वो पेपर को ओके करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पेपर वो आउटडेटेड हो चुका है। मतलब ओनरशिप चेंजेस इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अच्छा, इसका भी ओनरशिप चेंज हो जाएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइस क्या रखा है भाई आपके? प्राइस तो यहाँ 20,000 रखा हुआ है। इसका प्राइस सिर्फ 20,000 रखा है भाई। डील आपको कैसा लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्राइसिंग आपको कैसा लग रहा है? ओवर प्राइस की सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? ये फर्स्ट ओनर ही है। ये फर्स्ट ओनर ही है आपके? यहाँ पे आपको हाई सीसी बीज भी मिलता है, जैसे कि R15 वर्शन 4, NS वर्शन 3 या फिर बुलेट, या फिर आपको माइलेज वाला बाइक चाहिए अंडर बजट में तो आपके पास ग्लैमर, FZ, डिस्कवर, ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और इस शोरूम का नाम क्या है? दादा भाई मोटर्स, जो है राखाल हाट में। ये शोरूम जो है मैनागुड़ी से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, राखाल हाट, जो सिंगीमारी मोड़ से आपको इधर आना पड़ता है। तो बाइक आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इस शोरूम पे किसी भी बाइक के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो तो नीचे आए नंबर से आप दादा से बात कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, वहां भी डिटेल्स मिल जाएगा। और बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, डील आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।